माँ का था गलत संबंध, बच्ची ने देख लिया तो गंवानी पड़ी जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर्स। इस वीडियो में जिस खबर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उस खबर को सुनने के बाद हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, खून खौलने लगे या गुस्सा आर पार हो जाए। एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, उसकी जीभ काटी जाती है, उसको मौत के घाट उतारा जाता है। उस बच्ची का अपराध यह होता है कि उसने अपनी मां को किसी और के साथ गलत संबंध बनाते देख लिया होता है। उस 8 साल की बच्ची को उसके घर से अपहरण किया जाता है, उस बच्ची को जंगलों में ले जाकर उसके जीभ काटे जाते हैं, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, और यह सारा कार्य किया जाता है एक बुच्चर द्वारा जिसका उसके घर पर आना जाना लगा था। उस बुच्चर का उसकी मां के साथ गलत संबंध था, और एक दिन उस बच्ची ने उस बुच्चर को अपनी माँ के साथ गलत अवस्था में देख लिया था, जिसके बाद से उस बुच्चर ने उसको मारने का प्लान बनाया। प्लान सक्सेसफुल रहा। उस इंसान ने पहले तो गांजा फूका, फिर उस लड़की को उसके घर से अगवा किया, जंगलों में ले गया, उसका बलात्कार किया, जीभ काटी, हर तरीके से पूरी बर्बरता के साथ उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। लड़की का पिता उठता है, अपनी बच्ची को लापता पाता है, फिर पुलिस में कंप्लेन करता है, और 10 दिन बाद उस लड़की का शव जंगलों में से, झाड़ियों में से मिलता है। ये जघन्य अपराध कहीं ना कहीं हमारे देश में अक्सर देखने को मिलते हैं। आए दिन अगर हम बलात्कार के मामले अगर गूगल कर लें तो हमें 10 मामले ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं। प्रतिदिन हमारे देश में 90 बलात्कार के मामले सामने आते हैं। हर दिन कभी 4 साल की बच्ची, कभी 2 साल की बच्ची, कभी कुछ महीनों की बच्ची से लेके 80 साल 90 साल की बुढ़िया तक के बलात्कार के मामले रोज देखने को मिलते हैं। कभी लड़कों के, कभी लड़कियों के बलात्कार देखने को मिलते हैं। लेकिन इन पर कार्रवाई क्या हो रही है, मुद्दा यह है, क्योंकि अगर इन पर सही तरीके से कार्रवाई होती तो शायद ऐसे चीजें देखने को ना मिलती, ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद ना होते कि हर दिन ही इतने सारे मामले हमें देखने को मिलते। सोच के देखिए कि अगर आपके घर पे एक बच्ची है, 8 साल की बच्ची जिसे आप खूब लाड प्यार करते हैं, उसके साथ कोई व्यक्ति बलात्कार करता है, उस 8 साल की छोटी बच्ची, जरा सोच के देखिए कितना बुरा लगता है। उसके साथ बर्बरता के नाम पे उसके जीभ काटते हैं, उसके वो मौत के घाट उतारा जाता है। जरा सोचिए कि ये सोचकर कितना बुरा लगता है। तो ये भी सोचने का प्रयास करिए कि जिसके साथ होता है उसे कैसा महसूस होता होगा, जिस बाप की बच्ची के साथ ऐसा हुआ उस बाप को कैसा लगता होगा, जिसने रात में सोने से पहले इस चीज का सपना भी नहीं देखा होगा, अपने सोच विचार में भी ऐसा ना सोचा होगा, उसके बच्चे के साथ इतना जघन्य अपराध किया जाता है, उस बाप पर क्या बीती होगी, जरा सोचने का प्रयास कीजिए। तो हमारे देश के कानून पर कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को देखकर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, और देश की जनता पर भी, जो कुछ कुछ मामलों को उठाकर उस पर मोमबत्तियां लेकर सड़क पर निकल जाती हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मामलों पर चुप रहती हैं। क्यों 8 साल की बच्चियों में भेदभाव है? क्यों किसी बच्ची के मरने पर सामुदायिक हमला बोला जाता है? क्यों किसी बच्ची को, कि 8 साल की बच्ची को लेकर पूरे देश में हंगामा किया जाता है, और किसी 8 साल की बच्ची के मरने पर ही कहीं कोई खबर नहीं चलती? तो वक्त है इन चीजों पर आवाज उठाने का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का, और सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश जाहिर करने का कि आखिर में ऐसे जघन्य अपराधों के बाद भी लोग बच कैसे रहे हैं। अपराधियों में अपराध करने के बाद भय तक क्यों नहीं है? ये सारे सवाल खड़े करना आपकी जिम्मेदारी है। सरकार से करिए, इस देश की जनता से करिए, और उन लोगों से करिए जो मोमबत्तियां लेकर सड़क पर निकलते हैं। क्या वो लोग इस 8 साल की बच्ची को न्याय दिला पाएंगे? अगर हां तो कब, और अगर ना तो क्यों? मेरा काम था आपको इस मामले से रूबरू कराना, मैंने अपना काम किया, अब आपका कर्तव्य बनता है इस मामले को आगे लोगों तक पहुंचाना, तो अब आपकी जिम्मेदारी। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।